ये सैमसंग सिक्योर फोल्डर का तीसरा वीडियो है और ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। ये इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कमेंट बॉक्स से ही कमेंट वर्क में इस वीडियो को बना रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं दर्शन चौकसी जी, उन्होंने पूछा था कि सैमसंग सिक्योर फोल्डर से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैंने उन्हीं के डिमांड पर मैं वीडियो बनाया हूँ। मुझे अच्छा लगा दर्शन चौकसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने क्वेश्चन किया और मुझे आपको वीडियो बनाकर देने का मौका मिला, बहुत आभारी हूँ आपका। तो इस वीडियो में इसी रिलेटेड बात करूँगा कि अपने सिक्योर फोल्डर से, सैमसंग सिक्योर फोल्डर से कैसे आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सैमसंग सिक्योर के फोल्डर के बारे में पता नहीं है आपको, तो ज़रूर वीडियो देखें मेरा सैमसंग सिक्योर फोल्डर का, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हमारे हमको लगता है कि सैमसंग यूजर को सभी को देखना चाहिए, और भी दूसरे यूजर भी हैं तो उनको देखना चाहिए कि आखिर सैमसंग में बहुत अच्छी खासियत है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता नहीं चल पाएगा। तो बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप मेरे वीडियो को जल्दी पहुँच जाएंगे और अब सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, इसलिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि वीडियो में आपको लैपटॉप से मोबाइल में डाला और मोबाइल से लैपटॉप में डाला, सिक्योर फोल्डर से मेन गैलरी में, मेन गैलरी से आपको सिक्योर फोल्डर में डाला, ये सब मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप सैमसंग सिक्योर फोल्डर खोलेंगे। सैमसंग सिक्योर फोल्डर में ओपन करने के बाद आप गैलरी में जाएंगे, यहाँ से एक एंड्रॉयड का फ़ोटो है जो भी है आप कुछ भी हो आपका, और यहाँ से आप इस पर थ्री डॉट जो है इस थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और मूव आउट फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही मूव आउट फोल्डर पर क्लिक करेंगे ये जो पिक है यहाँ पर आके डाउनलोड हो आपके मेन गैलरी में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, इसको हम मेमोरी कार्ड में देखेंगे मेमोरी कार्ड में कहाँ गया है। तो उसके लिए पहले ही आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पर इस फोटो को बड़ा कीजिए क्लिक करके, और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फ़ोटो के डिटेल्स में जाइए और यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है और पाथ जो है साइज के नीचे पाथ लिखा हुआ है इसका, इंटरनल स्टोरेज पिक्चर ट्यूटर, ठीक है। तो आपको सॉरी फाइल मैनेजर में सर्च करना है, आपको देखना है कहाँ पर है यह, माई फाइल्स खोलना है। माई फाइल्स ओपन करने के बाद आपको देखना है इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ था वहाँ पाथ में, इंटरनल स्टोरेज पिक्चर, तो पाथ फाइल में लिखा हुआ था इंटरनल स्टोरेज पिक्चर। तो इंटरनल स्टोरेज में हम आ चुके हैं, ऊपर देख सकते हैं हेडिंग और नीचे हम पिक्चर पर क्लिक किए तो इसमें था ट्विटर, ट्विटर लिखा हुआ है। जैसे ट्विटर पर क्लिक किए तो यहाँ आकर देख सकते हैं कि ये मेमोरी में यहाँ आ चुका है, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। अब ये मेरा ट्विटर क्यों दिखा रहा है, मैंने ट्विटर से डाउनलोड किया था इस पिक को और मैंने सिक्योर फोल्डर में मूव कर दिया था, ट्विटर से डाउनलोड करके। जैसे फिर अगर मैं यहाँ से फिर मूव कर दूँ वहाँ पर सिक्योर फोल्डर में, जैसे ही ट्विटर से मैंने डाउनलोड करके इसी तरह से उसको वहाँ पर मैंने मूव कर दिया था, तो क्योंकि ट्विटर से डाउनलोड किया गया था इसलिए पाथ फाइल में ट्विटर दिखा रहा। फिर सिक्योर फोल्डर ओपन करेंगे, सिक्योर फोल्डर ओपन करने के बाद फिर से हम वही दोहराएंगे, ऐसे तो एक बार ही बताना था, मैंने रिपीट करके बता दिया आपको ताकि जानकारी। ये तो हो गया पिक भेजने का। अब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपका तो माई फाइल्स में आइए, माई फाइल्स में आकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए जो भी हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम मूव करेंगे, मूव टू आउट ऑफ सिक्योर फोल्डर, यानी यहाँ से आप सिक्योर फोल्डर से बाहर करेंगे तो आपके वहाँ पर मेन माई फाइल्स में चला जाएगा, मेन माई फाइल्स में, ये तो इमेज है नहीं कि आपके गैलरी में आएगा, तो
जिसके लिए हम क्या करेंगे कि माई फाइल्स ओपन करेंगे। माई फाइल्स ओपन करने के बाद तो डॉक्यूमेंट्स था, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फाइल का नाम था पीडीएफ का, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको होल्ड कर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके डिटेल्स में जाएंगे कि ये कहाँ पर है, इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड में है, ठीक है। तो आप इंटरनल स्टोरेज में जाएँ, आप तो यहाँ डॉक्यूमेंट से ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इसको, लेकिन आपके सिस्टम में अगर ओपन करेंगे तो इस तरह का नहीं आएगा, आपको बस इंटरनल स्टोरेज का ही सहारा लेना होगा। इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड में जाएँ, डाउनलोड में जाने के बाद डाउनलोड में आ गए तो उसको सर्च करना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए आप इसको सॉर्ट बाई यहाँ से कर लें, सॉर्ट बाई टाइम कर लें, सॉर्ट बाई टाइम नहीं, सॉर्ट बाई डिसेंडिंग में कर लें, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अगर ये नहीं आता ऊपर में तो आप इसको सॉर्ट बाई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। टाइम से मतलब है कि लेटेस्ट होगा डिसेंडिंग सुपर से आए, और असेंडिंग में होगा कि ओल्ड ऊपर आए और न्यू नीचे चला जाए, तो ये हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको कि फाइल्स आखिर हम डॉक्यूमेंट्स को या फिक को हम गैलरी में भी यहाँ से देख सकते थे डायरेक्ट, या डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से देख सकते थे, आखिर हमको इंटरनल स्टोरेज में बताने का क्या मतलब था। तो इसके मतलब इसके पीछे एक यही रीजन है, ताकि आप अपने जब आप मोबाइल को कनेक्ट करो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ोटो को फाइंड कर सको। तो चलिए कंप्यूटर में कनेक्ट करके बताते हैं कि कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करते हैं। अब आपको सॉरी अपने कंप्यूटर में डाटा केबल लगाकर अब आप अपने मोबाइल में केबल लगाएं चार्जिंग पोर्ट में, उसके बाद यहाँ पर डीने नहीं अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ कर देंगे, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका गैलरी खुल चुका है।